गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अतुल कुमार। चलिए, क्लास मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है और आज जब हम बुक उठा रहे हैं तो आज हम टॉपिक करेंगे इसमें कौन सा बेटा, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट के अपने ग्रुप में शेयर करो सभी को, ताकि वो लोग ऑनलाइन आ जाएं एंड देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है। स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अर्जुन राज, गुड मॉर्निंग सचिन, फटाफट से करो शेयर वीडियो को और लाइक आप खुद कर ही देना। ठीक है, संदीप कह रहे हैं मैम पहले दिन क्लास का टॉपिक बता दिया करो ताकि अच्छे से क्लियर कर ले। चलो ठीक है, आज से आपको बता देंगे आगे का टॉपिक क्या है। कितने लोग आ चुके हैं? पप्पू कह रहे हैं लेट क्यों है? नो बेटा, लेट नहीं है, 2 to 3 मिनट्स हैं। वो थोड़ा सा रहता है बिकॉज क्योंकि घर पर हैं, स्टूडियो में नहीं है हम लोग। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करें। आप सभी लोगों तक मेरा साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं ये बताओ। अगर साउंड क्लियर है, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है एंड यू ऑल आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास, तो एक थम्स अप का साइन मुझे भेजो स्पीडली, ताकि मैं फिर क्वेश्चंस को कराना शुरू करते हैं। राम राम सा विशाल धामा। नोटिफिकेशन नहीं आया कह रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया इसका मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। शिवम पटेल कह रहे हैं मैम प्लीज ट्रिक बताना। बेटा जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी उस पर बताऊंगी, जिसमें नहीं लगेगी उस पर अननेसेसरीली का मैं कुछ नहीं बता सकती। रह गई बात थ्योरी की, कॉन्सेप्ट्स की, तो वो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर ये हमने कवर करा है चैप्टर, आप उस पर जा सकते हैं। बहुत अच्छे, तो बहुत सारे थम्स अप के साइन आ गए हैं। करते हैं स्टार्ट हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। एंड आप लोगों को बस सिर्फ एक काम करना है, शेयरिंग, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाए। देखो जरा हमारा पहला क्वेश्चन, एक डिटरमिनेंट दिया है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। हमने देखा इस डिटरमिनेंट में हर जगह एंगल 15 डिग्री है, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना हमें आता है, तो ये होगा कॉस स्क्वायर 15 माइनस का साइन स्क्वायर 15, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा 30 डिग्री, और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। इस तरह से फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अगेन डिटरमिनेंट का है, लेकिन इसमें हमें दिखा कि ये तो एंगल डिफरेंट आ रहे हैं। नो डाउट 65 और 25 को जोड़ोगे तो ये कितना होता है? 90। तो ध्यान से देखो, क्या इसे 90 माइनस 25 लिखोगे तो ये कॉस 25 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर या यहां पर इसको लिखना तो ये कितना बन जाएगा? साइन 25। तो ये तो दोनों की दोनों रो में से कॉस 25 साइन 25 बाहर ले लो, सेम आ गए, सेम आ गए। तो डिटरमिनेंट में जब भी एक रो या एक कॉलम या दो रो दो कॉलम सेम होते हैं तो आंसर कितना होता है? 0। सो सेकंड का आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक डिटरमिनेंट दिया है, वैल्यू पूछ रहा है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे आप करेंगे तो माइनस लगेगा, ये भी क्या है? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस प्लस यानी कॉन्जुगेट, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। थर्ड का किस तरह का ऑप्शन दिख रहा है ये ऑप्शन? अच्छा, इधर माइनस दे रखा है, एक मिनट गाइस रुकिएगा। हमने इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया सी माइनस आई डी सी प्लस आई डी, यस प्लस आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आपका थर्ड का आंसर? ऑप्शन सी। बोलो जल्दी, थर्ड का सी आ रहा है सभी लोगों का या नहीं? वेरी गुड। आप सब लोग जो बच्चे इस समय नहीं जा पा रहे हैं बाहर कोचिंग क्लासेस वगैरह या अपने अकेडमीज ट्यूशंस जहां भी वो पढ़ते हैं, तो इस समय मैं आपको पूरी आरएस अग्रवाल सॉल्व कर रही हूँ, प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास है। थ्योरी को देखो पहले लिंक में जाकर वीडियोस में, और थ्योरी के बाद फिर आ जाओ प्रैक्टिस पर। तो हर एक्सरसाइज में कम से कम 80 क्वेश्चन तो है ही, मैक्सिमम हमने 100 तक भी करे हैं, एक अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, जैसे कि आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमारी कोशिश है या तो सीधे सीधे एक्सपेंड करो या इसको जितना ज्यादा आसान कर सकते हैं उतना आसान करो, ठीक है। शिवम सिंह चौहान कह रहे हैं आपको इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश का बेटा मुझे समझ में नहीं आया, आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं बताओ जरा, इसका क्या होना चाहिए यहां पर?
जल्दी से, तो मैंने देखा मुझे ज्यादा से ज्यादा आसान करना है। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो ये नंबर छोटे आ जाएंगे। देखो 21 में से 19 गया 2, 14 में से 13 गया 1, 26 में से 24 गया 2, नंबर छोटा हो गया। मुझे और भी नंबर छोटे चाहिए, तो ये इनके नियर अबाउट 13 3 जा, यानी आप करो सेकंड कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई और फिर माइनस कर दो फर्स्ट में से, तो 19 3 जा होता है आपके पास 57, 67 में से माइनस करोगे तो आएगा 10, ये हो जाएगा आपके पास कितना 0। इधर आओगे तो ये 81, 24 3 जा होता है आपके पास 3 8 जा 24 2 84, और 81 में से माइनस करोगे तो माइनस का 3। अब कैलकुलेशन आसान हो गई, तो मुझे आंसर दे दो जरा फटाफट से, फोर्थ का कितना है? सॉल्व नहीं कर रही हूं मैं, फोर्थ का आंसर दो कितना है? कितने लोगों ने फोर्थ का आंसर दे दिया है? यस विवेक कुमार सिंह, हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन भी वन बाय वन, ठीक है? चलिए फोर्थ का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट ए दे रहे हैं, कैलकुलेशन अब आप इसे खुद करना, ठीक है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ, तो ऑलरेडी टेलीग्राम पर जो ट्यूटर्स एकेडमी वाला चैनल है उस पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगेन देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा बनाओ इसको भी, माइनस कर दो कितना बचेगा आपके पास 25, माइनस कर दो कितना बचेगा 15, माइनस कर दो कितना बचेगा आपके पास 19, यस और नो? भाई यहाँ पर आप 19 लेंगे तो ये होगा 9 9 18, आपको 198 माइनस करना है ना, सॉरी 1, और इधर हो जाएगा 21, 21 बचेगा, सॉरी गाइज यहाँ पर आपके पास बचेगा ये 21, ठीक है? और आगे माइनस करो आप इसमें से, तो 240 में से 219 गया 21 बचेगा, और इसी तरह से 225 में से आपका 198 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 21 6 27 बचेगा। इधर आप माइनस करेंगे 7 और 9 17, और इसे एज इट इज रखो, तो दे दो जरा आंसर स्पीडली कितना होगा इसका सॉल्व करके। भाई ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते नहीं है, बट अगर आ भी रहे तो इसका और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्व करना है। दो आंसर स्पीडली कितना हो रहा है? राजीव कुमार ने कहा कि इसका आंसर जीरो है, राजीव कुमार कह रहे हैं कि इसका आंसर जीरो है, जीरो है। चलो देख लेते हैं और कितने लोग कह रहे हैं जीरो है। अंकित यादव ने भी मुझे सी दिया, नहीं गलत है, सी नहीं है आंसर, जीरो है। रामजी राजपूत ने जीरो दिया, बिल्कुल। सौहब सिंह ने जीरो दे रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बेटा, तो इसका आंसर है जीरो। क्या है इसका आंसर? जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस तरह के क्वेश्चन पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगी कि मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके दिखा रही हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर हमारा है सिक्स, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? सिक्स, आ जाओ जरा देखो सिक्स में। कंडीशन दी, अब या तो इसे बैठ के पूरा का पूरा क्या करो आप, एक्सपेंड करो, कर लेते हैं एक बार एक्सपेंड। तो पहला तो बन गया 1, फिर 4, फिर 9, 4, 9, 16, 16 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा 9, 16, 25। अब या तो डायरेक्टली सॉल्व करो, या डिटरमिनेंट का एक रूल होता है ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ, क्योंकि जितने ज्यादा जीरो बनाओगे उतना ही क्वेश्चन जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने एक काम करा, क्या काम करा हमने, ज्यादा से ज्यादा हमें जीरो यहाँ पर बनाने हैं। 1 4 9 तो एज इट इज रखा, जो ये सेकेंड रो है इसमें से माइनस कर दिया फर्स्ट रो में 4 से इंटू करके, तो ये हो गया 0। 4 4 16 माइनस करा तो 7, 4 9 36 होता है, और माइनस करा तो कितना 20। इधर 9 से करा, रो 3 में से 9 R1 तो कितना आ गया 0, 16 में से 9 4 36 माइनस का 20, और आगे 25 में से 9 9 होता है 81, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 56 माइनस का, और अब इसे सीधे सीधे कर दो एक्सपेंड, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 7 6 42, 4 7 5 35 39, माइनस का निशान ये हो गया 400, तो आंसर इज माइनस का 8, ऑप्शन बी। क्या है सेवेंथ का आंसर? ऑप्शन बी, यस और नो? चेक करो फटाफट से, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? सेवेंथ का आंसर कैलकुलेशन में, सेवेंथ का आंसर, सेवन नहीं सॉरी सिक्स है ये, तो बिल्कुल बी ही आ रहा है, ठीक है?
बेटा जो बच्चे कह रहे हैं आरएस से अलग वीडियो भी बना दीजिए, तो वो ऑलरेडी बनी हुई है, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, इसने कहा ये एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा जीरो हम लोग बनाए, तो हमने यहां पर करा फर्स्ट रो को रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो देखो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी, तो पहला एलिमेंट जीरो, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई, जेड से जेड, जीरो। दूसरा पी से पी, क्यू से क्यू, आर से आर, जीरो। और जब सब एक रो जीरो है तो आंसर क्या होगा, जीरो, यानी सेवेंथ का आंसर है जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्पीडली हम लोग अपना। देखो जरा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है एट। इसने कहा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ क्या होगी। हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ, क्या बनाओ ज्यादा से ज्यादा जीरो। तो देखो जरा ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने के लिए क्या करा हमने, आप कर दीजिए यहाँ पर क्या भाई, पहला तो ये वन 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 ऐसी रहने दो, कॉलम C2 में से C1 माइनस कर दो तो जीरो एक्स जीरो, कॉलम C3 में से भी C1 माइनस कर दो तो जीरो जीरो वाई, और जब एक्सपेंड करोगे तो सीधे सीधे एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर बेटा, ऑप्शन सी। ठीक है, हर बच्चा कम से कम तीन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर आप कहें कि नहीं मैडम क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे हम। इसने कहा इसकी वैल्यू बताओ, देखो जरा भाई इसका मतलब वन टू सिक्स, यहां पर है टू सिक्स चौबीस, आगे गए तो छ चौबीस एक सौ बीस, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। Yes or no? हमारी कोशिश होती है कि हम क्या करें ज्यादा से ज्यादा को सॉल्व करें, यानी कि जीरो। लेकिन उससे पहले मुझे दिख रहा है कि यहां से टू कॉमन और यहां से सिक्स कॉमन आ सकता है, तो बारह बाहर आ गया, एक दो छ, एक तीन, दो कॉमन ले रहे हैं बारह, छ कॉमन ले रहे हैं एक, चार बीस। अब कोशिश क्या करनी है ज्यादा से ज्यादा जीरो, तो बारह एज इट इज, एक दो छ कितना हो गया जीरो, कितना हो गया वन सिक्स, आगे करो जीरो, चार में से दो गए दो, बीस में से छह गए चौदह, सॉल्व करोगे तो इधर चौदह और इधर कितना बारह, यानी बचा दो, तो बारह दुनी कितना हो गया चौबीस, और चौबीस किसकी वैल्यू होती है बेटा, चार फैक्टोरियल की। किसकी वैल्यू होती है, फैक्टोरियल चार। बोलो क्लियर है, जल्दी से बोलो कितना आंसर है इसका नाइन्थ का, ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए टेंथ पर। क्वेश्चन नंबर टेंथ के अंदर इसने एक डिटर्मिनेंट दी, वैल्यू पूछ रहा है, फिर से कोशिश वही कि या तो दो रो सेम आ जाए या दो कॉलम सेम या जीरो आ जाए। तो हमने कहा ये जो पहली कॉलम है C1 और जो ये तीसरा कॉलम है C3, इन्हें जोड़ दो। तो आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे ही ये x प्लस वाई प्लस जेड बाहर लोगे कॉमन, तो वन वन वन, सेकेंड वन वन वन, तीसरे में कुछ भी लिखा हो दो कॉलम सेम है तो आंसर कितना आएगा जीरो, यानी टेंथ का आंसर है ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग अपने। देखो जरा क्वेश्चन नंबर हमारा है 11th। क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, एक डिटरमिनेंट दिया और पूछता है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11th। देखो जरा हमने देखा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए या कुछ हमारा आइडेंटिकल बन जाए। तो यहां पर किसी भी हाल में कुछ भी नहीं हो पा रहा, यस और नो। चलो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको सीधे सीधे एक्सपेंड करो, तो जीरो पे तो करने की जरूरत ही नहीं है। यहां जाएगा माइनस पी माइनस क्यू, लाइन ऐसे गई, ये गई, तो ये जीरो, इनके इनटू हो गए और वो भी माइनस लगेगा, तो लगा दो जरा आप यहां पर माइनस, कितना आ जाएगा या ऐसे क्यों करें हम इसे। चलो मैं इसका एक और तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ स्पीडली, वैसे तो कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी लेकिन ऐसे करके टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं थोड़ा सा फास्टली। देखो जरा अपनी मर्जी से P को ले लो वन, Q को ले लो टू और R को ले लो थ्री, उससे ऑप्शंस चेक हो जाएंगे। तो पहला जीरो, P माइनस क्यू माइनस वन, P माइनस R माइनस टू, Q माइनस P वन जीरो, Q माइनस R माइनस वन, R माइनस पी, आर माइनस पी टू, आर माइनस क्यू वन, और ये जीरो। अब इसे एक्सपेंड करो तो ये माइनस माइनस हो गया, प्लस लाइन गई, कितना बचेगा आपके पास, प्लस का टू,
माइनस का टू लाइन इधर गई तो कितना आ रहा है वन, आंसर इज जीरो। क्या है आंसर? जीरो। जब भी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में अटक जाओ और नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो सिर्फ एक काम करना, वहां पे अपनी मर्जी से एबीसी की जगह कोई भी वैल्यूज रख लेना, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में अगेन हमें देखने पर बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आपसे क्या कहा, वैल्यू रख लो, ए की जगह वन, बी की जगह रख लो चलो माइनस वन, और सी की जगह रख लो टू, करो काम। तो ए प्लस बी जीरो, ए वन, बी माइनस वन, ए की जगह वन, ए प्लस सी थ्री हो गया, सी की जगह टू, बी की जगह माइनस वन, सी की जगह टू, बी प्लस सी हो गया वन, एंड नाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस वेरी इजीली। तो वन साथ में माइनस लाइन गया तो ये वन प्लस का टू, माइनस वन लाइन गया तो टू प्लस का थ्री हो जाएगा, दैट मींस माइनस थ्री, और इधर से आपके पास आएगा ये माइनस का फाइव, दिस इज माइनस एट। चेक करो माइनस एट किससे आ रहा है, तो डैम श्योर ए ऑप्शन से आ रहा है, इसलिए ट्वेल्थ का आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है ट्वेल्थ का आंसर? ऑप्शन ए। कितना भी भयंकर क्वेश्चन क्यों ना आए, आप नहीं उसे सॉल्व कर पा रहे हो, हमेशा एबीसी की जगह कोई भी नंबर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ कुछ इसी तरह का है, देखने पर हमें टिपिकल सा लग रहा है, क्या करो यहाँ पर आप, या तो वैल्यू रखो या डायरेक्टली सॉल्व करो। हमने कहा हमें वैल्यू से ज्यादा आसान पड़ा है, और अगर मैं यहाँ पर ए बी सी तीनों की ही जगह वन रख लूं, तो यहां से आएगा थ्री, यहां से थ्री का स्क्वायर नाइन, यहां से थ्री का क्यूब 27। तो वन से, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग हैं, तो वन रख लो, यानी पहला बन गया वन माइनस वन जीरो, माइनस वन, दूसरा बना टू टू, आगे चलोगे टू टू, इधर माइनस वन टू टू, और इधर माइनस वन, यू कैन सॉल्व इट इजिली। तो माइनस वन आया इस तरह से, ये हो गया वन माइनस फोर, माइनस का टू, अगेन आपने सॉल्व करा माइनस टू माइनस फोर, और आगे सॉल्व करा प्लस का टू, तो कितना आएगा दो दूनी चार प्लस दो, यहां पर आपके पास आ गया प्लस का तीन, यहां पर आ गया चार दो, छह दूनी बारह प्लस का बारह, बारह बारह चौबीस, और तीन होते हैं सत्ताईस, जो कि आ रहा था ऑप्शन सी में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? ऑप्शन सी। कितने लोगों का सी आ रहा है, टेल मी स्पीडली। यस आयुष अवस्थी, वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते कि ऑप्शंस डिफरेंट आने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ वन वन रखने पर तीनों ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे थे, इसलिए हमने वन 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 ही रख लिया। अगर दो ऑप्शन सेम आते तो फिर हम वन 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 नहीं रखते, बल्कि वन टू थ्री रखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 14th। क्वेश्चन नंबर 14th में हमने देखा अगेन ये उसी तरह का क्वेश्चन समझ में आया, कुछ मत करो, एक्स वाई जेड की जगह अगर तीनों की जगह वन रख रहे हो, तो पहला देगा चार, दूसरा देगा दो दुनी चार दुनी आठ, यहां पर देगा दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, रखो यहां पर कितना आएगा ये ट्वाइस वन 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 टू वन 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 टू, हाँ या ना, सॉल्व करोगे दो दो दुनी चार माइनस एक माइनस एक, तो ये होगा दो माइनस एक प्लस का एक, लाइन गई एक माइनस दो, दो तीन छह माइनस का एक माइनस का एक, तो ये आ गया चार। चेक करो चार किस ऑप्शन से आ रहा है, ए से। तो 14th का आंसर इज ऑप्शन ए। Is that clear? क्या है 14th का आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 15th। अब 15th क्वेश्चन अगेन आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी लगाओ, मुझे लंबा पड़ रहा है प्रॉपर्टी से, तो मैंने एक काम करा, फिर से मार्कर चेंज कर लेते हैं, ए बी सी की जगह वन रखा, पहले ऑप्शंस को देखा, इधर से चार आएगा, तीन दूनी छह आएगा, यहां से हमारे पास तीन, चलो रखो वैल्यू यहाँ पे, तो दो एक 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 दो एक 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 दो, और ये जस्ट अभी तुमने ऊपर सॉल्व करा है, वैल्यू आ रही थी चार, चार किस ऑप्शन में आ रहा है, ए में। तो 15th का आंसर इज ऑप्शन ए। कितने लोगों का आ रहा है 15th का ए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16th में इसने हमसे कहा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ कितनी है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। हमने कहा चलो इस डिटरमिनेंट में ना ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड करो, तो जो आप डिवाइड कर रहे हो वो बाहर रहेगा। अब पहले वाले, इसे पहले रो में करो, तो वन ए क्यूब ए बी सी,
नेक्स्ट में बी की करो तो 1b³abc, सी की करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 1c³abc। तो यहां से अगर आप ए बी सी को बाहर निकाल दें तो 1, 1, 1, दो कॉलम सेम है इसलिए आंसर है 0। क्या है बेटा आंसर इसका? 0। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पेज 2 चले गए शायद। आओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। इस एक्सप्रेशन में देखो, यहां पर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो डायरेक्टली जाओ, लेकिन मैंने आपको एक ऐसी अप्रोच दी है जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर एक ही जगह 1 रख रहे हो तो हर जगह से आपको 0 मिल रहा है, एक ही जगह 2 रख रहे हो तो हर जगह से 1 मिल रहा है, हमें चाहिए डिफरेंट। तो आप एक काम करो, एक ही जगह 3 रख लो, 3 - 1 का होल स्क्वायर 4, 3 - 1 का होल क्यूब 8, और 3 - 1 2 रखो यहां पर। 3 का स्क्वायर 9 + 6 होता है 15, 3 × 6 + 1 = 7, 1, 1, 1 यहां पर आएगा 5, 3, 3 इधर आएगा, 2 × 3 = 6 = 7। चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व करो, नहीं तो आप क्या कर दो बेटा, माइनस पहली एज इट इज रखना, ये हो जाएगा 0, 5, 7 - 2, 7, 5 - 8 = 0, -4 - 12 एक्सपेंड करो यहां पर, तो 8 × 4 = 32, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ऊपर से नीचे माइनस लगेगा, 12 × 2 = 24, 32 में से 24 गए, कितना बचेगा, 32 में से 24 जाएंगे तो आपके पास 8, किस ऑप्शन में 8 आ रहा है, बी में, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है बेटा आंसर 17th का? ऑप्शन बी, इज दैट क्लियर? चलिए बेटा आप सब लोग प्लीज शेयरिंग करते रहना, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 18th। देखो इस पर भी यही अप्रोच सिखाते हैं तुम्हें, वैसे तो ओरली भी कर सकते हो, बट मेरा काम अप्रोच सिखाने का है इसलिए मैं अप्रोच पर जा रही हूं, ठीक है। मैंने देखा ऑप्शंस में कुछ डिफरेंट डिफरेंट से आ रहे हैं, अगर मैं एबीसी 1 लूंगी तो ये दोनों सेम देंगे, तो अलग ले लो यहां पर, क्या ले लो, ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो, और चलो सी को 0 ले लो, कैलकुलेशन इजी करनी है। तो पहला ऑप्शन ए माइनस बी माइनस 1, बी माइनस सी 2, सी माइनस ए माइनस 1 कितना दे रहा है ये 2। सेकेंड में आओगे ए प्लस बी 3, बी प्लस सी 2, सी प्लस ए 1, तो ये दे रहा है 6। इधर आओगे माइनस बाहर लग रहा है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, -2 रखो यहाँ पे वैल्यू, बी सी 0, बी प्लस सी 2 1 1 1, सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 3, सी ए 0, ए बी 2, कर दो जरा इस पर एक्सपेंड, बोलो कितना आएगा बाहर, 2 - 1 कितना आ रहा है 2, यानी आंसर इज 18th का ऑप्शन ए। क्या है 18th का आंसर? ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीडली 19th, ये मैंने जब थ्योरी की क्लासेस कराई है उस समय पढ़ाया है। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19th। गुड्डू कुमार प्रसाद, मैम मैं बिहार से हूं, मेरा नाम नहीं लेती हैं आप। ले लिया बेटा, आप ही का नहीं आपके स्टेट का नाम भी ले लिया बिहार। चलो बताओ आंसर 19th का। नवीन यादव ने पहले आंसर दिया है 19th का बी। यस नवीन, एब्सोल्युटली करेक्ट, 19th का आंसर क्या है? बी। इसके लिए बेटा 3 रिजल्ट्स होते हैं, मैं तीनों यहां पर लिख देती हूं, जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद रख लीजिए। 1, 1, 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आती है। 1, 1, 1 या मार्कर चेंज कर लेते हैं, चलो अगर आपके पास 1, 1, 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है तो इसकी वैल्यू हमेशा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी आती है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 1, 1, 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रादर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है तो इसकी वैल्यू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड यहां पर सी माइनस ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आती है। तो ये 3 रिमेंबर पॉइंट है, याद रखना, एग्जाम में आपका समय बचाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनुराग कुमार कहते हैं कि वो न्यू स्टूडेंट हैं, तो बेटा मोस्ट वेलकम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़ना है तो यस का वाई लिख के दो मुझे फटाफट से।
आगे बढ़े, आगे बढ़े, विपिन कुमार गया बाहर से है, ओके। पुलकित शर्मा मेरा भी नाम ले लो, मैंने आपके कोचिंग से पढ़ा हुआ है, वेरी गुड पुलकित, अच्छा है, अब तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा स्पीडली। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। कौन सा क्वेश्चन है 20? देखो इस तरह के क्वेश्चन में भी हम ऑप्शंस पे ही जाएंगे, क्या करो आप x की जगह 1 ले लो, तो ये -2, 2 ये 1 लोगे तो 3, ये 1 लोगे तो -1, इधर भी पुट करो तो ये क्या बन गई 1 और 1 2 3 5, यहां पर 3 1 4 6 और इधर आ जाएगा आपके पास 1 9, आगे बढ़ोगे 8, इधर आएगा 11 और इधर आएगा 15। वैल्यू खुद बताओ, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही, सिंपल एक्सपेंशन है, जल्दी से आंसर दो 20 का क्या आएगा। हरे अप, गिव मी द आंसर ऑफ 20। सोनू कुमार आंसर लीजिए, अमरेंद्र फ्रॉम बिहार गिव मी द आंसर, 20th का ए, 20th का ए, वेरी गुड। चलो कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, आई डोंट नो कैसे बता रहे हैं, क्योंकि 20th का आंसर कितना आ रहा है ए, सॉल्व करना चाहते हैं तो आइए करिए साथ में। हमने देखा पहला वाला 2 3 5 ऐसी रहने दो, इधर जीरो बनाना है तो सेकेंड रो में से माइनस कर दो क्या पहली रो का डबल, तो 4 4 हो गया जीरो, ये भी जीरो हो गया, -1 बचेगा, आगे 4 टाइम्स तो 0 4 3 12 -1 4 5 20 -5, और इस पे आप सॉल्व करेंगे तो 2 इधर ही कर तो लीजिए। चलिए बेटा देखिएगा, थोड़ा सा बीच में एक्चुअली घर से क्लास ले रहे हैं तो इस वजह से बीच में लाइट ने फ्लक्चुएशन कराता है। एनीवेज अभी आपका हो चुका होगा क्लियर, अगर आ चुका है स्क्रीन पे तो मुझे इन्फॉर्म करिए, फटाफट से एक एक थम्स अप का निशान भेज दो जिसके यहां भी आ चुका है, फोन को रिफ्रेश करो। आगे तभी पढ़ाना शुरू करेंगे, फोन को रिफ्रेश करो और मुझे थम्स अप का साइन भेजो। जिनके में भी कनेक्ट हो चुका है प्लीज, ओके, काफी लोगों का हो चुका है। चलो देखो हम यहां तक आए थे और हमने कहा था इस 21 का चाहे आप वैल्यू रख के दीजिए आंसर या कैसे भी दीजिए, तो एक काम कर लेते हैं हम, ए की जगह तो ले लेते हैं 0, बी की जगह ले लेते हैं 1 और सी की जगह हम ले लेते हैं -1, ठीक है, क्या करें, या सी की जगह आप ले लीजिए, कुछ डिफरेंट लेना है तो माइनस का चक्कर छोड़ो 2, तो आपका ये 0 1 2 1 2 0 2 0 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0 पर तो 0 ही है, -1 पर लाइन गया तो ये 1 होगा, प्लस का 2, 2 पर लाइन गया तो कितना होगा -4, तो ये आएगा -9, चेक करो -9 किससे आ रहा है, आप यहाँ a रख रहे हो तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा, नहीं है आंसर, इधर रखोगे a का क्यूब 0, b का क्यूब +1, c का क्यूब 8, तो ये तो क्या आ रहा है +9, और यहाँ रखोगे तो -9, इसलिए आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है बेटा इसका आंसर, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन सी, नहीं अनुज बी नहीं है, सुधीर यादव ए नहीं है, क्या है आंसर ऑप्शन सी। शिवनेश कह रहा है 21 22 23 24 सितंबर का एग्जाम रिव्यू आके चैनल पर नहीं आया था, मैंने उन्हें सर्च कर रहा हूं, हाँ बेटा उसका रिव्यू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अगर ए बी सी पॉजिटिव धनात्मक डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल नंबर है तो बताओ इसका वैल्यू कैसा आएगा। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, पॉजिटिव कह रहा है और डिस्टिंक्ट कह रहा है रियल नंबर्स हैं, आपसे क्या जानना चाह रहा है वैल्यू। एक काम करो आप ए को ले लो 1, बी को ले लो 2, सी को ले लो 3, काम खत्म। तो ये 1 2 3, 0 मत लेना यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है, बी की जगह 2 3 1, आगे बढ़ोगे तो कितना आएगा 3 1 2, सॉल्व करना आप सबको आता ही है 1, तो ये 3 2 6 -1 5, माइनस का 2, लाइन ऐसे गया 2 2 4, माइनस का 3 1, प्लस का 3, लाइन ये गया तो 2 1 2, माइनस का ये होगा 9 यानी -7,
तो ये हो जाएगा 5 - 2 - 21, यानी रिजल्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो आंसर किस पे टिक करोगे आप लोग? नेगेटिव पे, ठीक है। जब मैंने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई है तो इसको दूसरे तरीके से कराया है, लेकिन अभी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो इस समय आपको फास्ट अप्रोच से कराया है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको यही लगानी है। मनजीत सिंह कह रहे हैं पीडीएफ लिंक कहाँ है? टेलीग्राम पर चले जाओ, टेलीग्राम पर जाकर द ट्यूटर्स एकेडमी डाल देना, 5.7K उस पर सब्सक्राइबर्स हैं हम लोगों के द ट्यूटर्स एकेडमी पर चैनल पे, वहां मैंने पीडीएफ आपको दे दिया है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम क्या यहाँ पर हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। ये वाला क्वेश्चन कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में भी करवाया है। क्या करो यहाँ पर? ए की जगह 1, बी की जगह सी की जगह भी क्या ले लो? 1। क्वेश्चन बन गया -1, 1, 1, 1, -1, 1, और आगे चलो 1, 1, -1, जिसको सॉल्व करना इज वेरी इजी। -1, ये 1 - 1 हो गया 0, -1 आगे लाइन गया -1, -1, तो माइनस का 2 + 1 आगे जाएगा लाइन, तो 1 + 1 = 2, दैट मींस इट इज 4। ऑप्शन में देखो कहां से 4 आ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 23 का आंसर? ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर इसने एक डिटरमिनेंट हमें दिया और कहता है कि बताओ इसकी वैल्यू उसमें से क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि ये तो कॉन्जुगेट्स चल रहे हैं, वी हैव नो अदर ऑप्शन बिसाइड्स सॉल्विंग, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। 1 + i बाहर हमने करा इधर, तो 1 - i इन दोनों के इनटू, तो ये 2i आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगेगा, यस और नो? और आगे बढ़े, माइनस का 1 - i लाइन ऐसे गया, तो ये 1 - i का होल स्क्वायर विच इज माइनस का 2i ऐसे गया, तो -1 - i। फिर आए थर्ड पर, 1 है बाहर, तो 1 - i 1 + i कितना होता है आपके पास? 2, और ये गया इधर -1। सॉल्व करना है तो 1 + i 1 - 3i - का 1 - i -1 - 3i माइनस बाहर ले लो, तो 1 + 3i + 1। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। रियल की रियल में माइनस इमेजिनरी की इमेजिनरी में, प्लस का आई पहले का रियल, दूसरे का इमेजिनरी, दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, प्लस रियल की रियल में माइनस इमेजिनरी की इमेजिनरी में, प्लस का आई पहले का रियल, दूसरे का इमेजिनरी, दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, प्लस 1। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, यानी कैसा नंबर आ रहा है? रियल। रियल में भी देखो 4, 4, 8 और 1, 9 आ रहा है, तो 9 यहां पर इमेजिनरी नहीं है, इरेशनल नहीं है, क्या है? इंटीजर पूर्णांक। तो क्या टिक करोगे 24 का आंसर? ऑप्शन, बोलो जल्दी से ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसने हमें दिया कि इसकी वैल्यू अगर x + iy है तो बताओ जरा आपके पास x क्या है और y क्या है। सिंपली इसको हमें सॉल्व करना है, आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा। देखो जरा 6i (3i²) - 3 + 3 हो गया, +3i हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4i + 20i आगे बढ़ेंगे 1, क्या होगा? 4 × 3 = 12 - 23 = 60i। इधर हमने देखा ये 0 हो गया, इधर ये 24i होगा, बाहर 3 है, तो माइनस का 24 + 3 जो भी आ रहा हो, प्लस का 12, माइनस का 60i। तो यहाँ पर हमारे पास देखो जरा 24 + 3 कितना होता है? 72। ओके 72, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, रुक जाइए, ये आई आना चाहिए था, एक मिनट के लिए गाइज वेट करिए, वेट करिए, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 6i ये हो जाएगा, माइनस का 3 इधर होगा, प्लस का 3 करेक्ट है, माइनस माइनस प्लस, 4i एब्सोल्युटली ओके। यहां पर मिस्टेक हुआ है बेटा, ये प्लस का 20 होगा, क्या होगा ये? प्लस का 20, मैंने इधर आई लिख दिया, ये आई नहीं है, क्या है यहाँ पर आपका? सिर्फ प्लस का 20। आगे बढ़े 1, 4 × 3 = 12 - 60i, यस अब करेक्ट हो जाएगा।
दिस विल बी -12 + 60i, प्लस का 12 - 60i कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी जीरो. राइट साइड उसने एक्स प्लस आई वाई दिया है, यानी एक्स भी जीरो वाई भी जीरो. आंसर इज ऑप्शन बी. क्या है आंसर? ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 26. क्वेश्चन नंबर 26 देखने में इतना अजीबो गरीब सा लग रहा है, कैसे होगा क्या होगा समझ में ही नहीं आ रहा. तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए. ये मैंने टेस्ट सीरीज में जब आपको कराया था तो वहां स्प्लिट करके कराया था, लेकिन अभी हम फास्टली जा रहे हैं तो हम यहाँ पर ए को ले लेते हैं, सपोज करो 1, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं. बी को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 0, और सी को ले लेते हैं हम लोग -1. तो हमारा ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1, 3, 6, यहाँ पर ए यानी कि 1, इधर 4a यानी कि 4, क्योंकि बी तो 0 है, नीचे 9, और आगे बढ़े तो a प्लस 3c यानी कि -2, 5 - 9 -4, 11 - 18 -7. इसको सॉल्व आप सभी लोग आसानी से कर सकते हैं. तो देखो जरा, 1 माइनस का 28 प्लस का 36 माइनस का 1, लाइन ऐसे गया, माइनस का 21 प्लस का 24 -2, 27 -24. सॉल्व करिएगा तो ऊपर से आएगा आपके पास कितना, 8, इधर जाएंगे तो आएगा ये आपके पास माइनस का 3, इधर जाएंगे तो आएगा माइनस का, बोलो जरा, 6, तो ये बचेगा माइनस का 1. माइनस 1 कौन से ऑप्शन से आ रहा है, इससे, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है. तो आंसर इज ऑप्शन ए. क्या है आंसर? ऑप्शन ए. बोलो कितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है? पप्पू कुमार और बैरवल कुमार कह रहे हैं कि मैम कोई और डिजिट भी ले सकते हैं. बेटा आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सी भी डिजिट ले सकते हो. ये जरूरी नहीं है कि आप यही डिजिट लें, ठीक है? आपको सिर्फ मैं अप्रोच बता रही हूं करने के लिए, आप कोई सी भी ले सकते हो. अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, कुछ बच्चे यहाँ दिमाग लड़ाने में लग जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या करूं, फलाना ढिकाना. कुछ मत करो, वैल्यू ले लो. भाई यहां देखो, अगर मैं ए की जगह 1, बी की जगह भी 1, सी की जगह भी 1 ले लूं, तो यहां पर पहला ऑप्शन 0 देगा, दूसरा ऑप्शन आपको 3 का क्यूब 27 देगा, और ये ऑप्शन 3 का स्क्वायर 9. अलग अलग आ रहे हैं तो यही ले लो. भाई डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 1 - 1 = 0, 1, इधर 2 बचेगा, इधर -2 बचेगा, आगे 2, 2, आगे चलोगे 1 - 2, 2, और आगे चलोगे -1. सॉल्व करेंगे आप लोग इसे तो 1 - 1 प्लस का 4 माइनस का 2, लाइन गया -2 - 2 - 4, और आगे बढ़ोगे -2, तो ये -4 - 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस का 12, और इधर हो जाएगा 4 × 2 = 6 = 12 - 12 = 24 + 3 = 27. कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी में. तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी. क्या होगा बेटा आंसर आपका? ऑप्शन बी चल रहा है. चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका 28. इसका आंसर आप मुझे खुद दीजिए, इसी अप्रोच से, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं. जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दो, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं. तो पता नहीं क्यों दिन भर में फोन नहीं आते, लेकिन इसी समय पर इतने फोन बजेंगे जिसकी कोई हद नहीं है. या तो जान पूछ के डिस्टर्ब करने के लिए ही करते हैं ये बच्चे लोग. रेगुलरली फोन आ रहे, रेगुलरली. रितेश कह रहे हैं मैम आरएस के सेपरेट वीडियो पहले प्ले लिस्ट में डाल दीजिए, मयंक सर से रिक्वेस्ट कर दीजिए. अच्छा जी, कर देंगे मयंक सर से रिक्वेस्ट. जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 28 का. मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, अब देखना है मुझे आप लोग कितनी स्पीड से कर पा रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं. गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28. थैंक यू सोनू कुमार. 28, 28, हर एक बच्चे का सही आना चाहिए.
28 का बी आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं 28 का? बी। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलत दे रहे हैं सी। सी नहीं है, बी ही है। भाई अगर तुम ए बी सी तीनों की जगह 1 रखते हो तो पहला ऑप्शन तुम्हें देगा 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18, ये ऑप्शन देगा 27, 2 जा 54, ये ऑप्शन देगा तुम्हें 4। रखो यहां पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर 4, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4, जिसको सॉल्व करना है सो इजी। 16 माइनस 1 15, माइनस का 1 लाइन गया तो 4 माइनस 1 3, प्लस का 1 लाइन गया 1 माइनस 4 माइनस का 3, तो ये 15 चौको 60 में से 6 गए, कितना बचेगा 54। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। आई डोंट नो कैसे आप सभी लोग मुझे सी आंसर दे रहे हैं। चलिए कोई और भी ले सकते हो डिजिट। बार बार बच्चे एक बात पूछे जा रहे हैं मैम कोई और डिजिट ले ले। बेटा इट डिपेंड्स अप टू यू, कोई सी भी डिजिट ले सकते हो। बताओ जल्दी से मुझे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 लिख कर देना मुझे, 29 में आंसर उस बच्चे का नाम लूंगी। क्वेश्चन नंबर 29 लिख कर देना। अर्जुन कुमार ने दिया है 29 का डी, नीरज कुमार 29 का सी। ओके लेट्स वेट, मेजॉरिटी में किसके ऑप्शंस आते हैं सी या डी? नो प्रॉब्लम आयुष अवस्थी, मेन है आप बस पढ़ लो कर लो। चलिए करेक्ट आंसर 29 का क्या है आपका? ऑप्शन सी। तो इसको अब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए स्पीडली, इसी अप्रोच से जाइए और 30 का आंसर दीजिए सबसे पहले। थर्टी का आंसर सी और बी में कंफ्यूजन है, मेजॉरिटी देख लेते हैं सी। एब्सोल्युटली करेक्ट, 30 का आंसर इज ऑप्शन सी। मैं अब सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अप्रोच आपको दे दी है, जो क्वेश्चन डिफरेंट जाएगा उसको मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है? तरीका वही लगाना है इसमें, कौन सा? वैल्यूज रखने वाला। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31, देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। 31 कहता है के की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, दो डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं, एक काम करो ए की जगह 0 ले लो, बी की जगह 1 ले लो और सी की जगह -1 ले लो। तो देखो जरा ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन गया, ए प्लस बी 1, बी प्लस सी 0, सी प्लस ए -1, उधर चले बी प्लस सी 0, सी प्लस ए -1, ए प्लस बी 1, सी प्लस ए -1, ए प्लस बी 1, बी प्लस सी 0 इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है के, जहां पर 0, 1, -1, थोड़ा सा स्पेस इधर ले लेते हैं, ठीक है? इधर बढ़े बी, बी की जगह 1, -1, 0। आ जाइए, अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो 1 इधर से आएगा, -1 ये हो गया 0, आगे बढ़ोगे -1 तो ये हो जाएगा आपके पास -1, यानी कि ऐसे मत जाओ, छोड़ो हमें वैल्यू देखनी है ना, हमें वैल्यू देखनी है। तो आप यहां जब इसे एक्सपेंड करोगे यहां पर इन्हें एडिशन कर दो, 0, 0 आ जाएगा, सिर्फ बचेगा 1, तो इधर वैल्यू आएगी के, और इधर जब करोगे तो इधर वैल्यू आएगी 2, यानी आंसर आपका हो जाएगा के बराबर 2। कितने लोगों का आ रहा है के बराबर 2? बेटा बफरिंग शायद अभी नहीं हो रहा है, बफरिंग अभी नहीं हो रहा है। क्या है 31 का आंसर? ऑप्शन सी। लकी यदुवंशी, इस क्वेश्चन में इक्वल डिजिट नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आप इक्वल डिजिट लोगे लकी यदुवंशी, तो बेटा यहां पर आपके दोनों रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर के आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में इक्वल डिजिट नहीं लेंगे। विपिन कुमार, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 32। अब ओमेगा पर बेस्ड आ रहे हैं, ओमेगा पर बेस्ड आर वेरी इजी। आप यहाँ पर रो फर्स्ट को रो फर्स्ट प्लस रो सेकंड प्लस रो थर्ड कर दो तो आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, और जब पहली रो जीरो है तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ब्लरिंग हो रहा है, हाँ हो तो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में इसने हमसे क्या कहा कि यहां पर अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी का तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। एक काम करिए, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रखा जा सकता है, यहां पर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, इधर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर रखा जा सकता है। तो डिटरमिनेंट आपका 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 1, 1 प्लस ओमेगा क्यूब होता है 1 माइनस ओमेगा, लाइन ऐसे गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस का, सॉरी माइनस लगा हुआ है वहां पर, ओमेगा स्क्वायर, लाइन ऐसे गया तो ये आएगा आपके पास ओमेगा की पावर 4 जो होता है ओमेगा माइनस ओमेगा 0, तो इधर बचेगा आपके पास बेटा कितना 2, इधर बचेगा प्लस का 2, आंसर इज 4। क्या है आंसर आपका 4, कहीं गड़बड़ हो गई नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन ए, 33 का आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसने कहा ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी का तो वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसने हमसे पूछा। हमने देखा कि अगर हम आर वन को आर टू को और आर थ्री को जोड़ दें तो 1 प्लस ओमेगा की पावर एन और ओमेगा की पावर 2n तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 1 1, ओमेगा की पावर 2n, 1 ओमेगा की पावर एन, ओमेगा टू दी पावर एन, ओमेगा टू दी पावर 2n और ये 1। ठीक है, लेकिन ऐसे हमें ये क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, लेंदी, क्या पढ़ रहा है ऐसे ये क्वेश्चन हमें, लेंदी। मुझे दो स्टेप लिखते ही समझ में आ गया तो मैं जा रही हूं दूसरी अप्रोच पर। कौन सी है दूसरी अप्रोच, देखो उसने यहां एन के बारे में नहीं बताया क्या है, क्योंकि हमें दो बातें पता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था कि इसकी वैल्यू या तो जीरो होती है या थ्री होती है। जीरो कब, जब एन थ्री का मल्टीपल नहीं है, और थ्री कब, जब एन थ्री का मल्टीपल है। तो आप इस क्वेश्चन में एक बार एन को वन ले लो और एक बार एन को थ्री लेके चेक कर लो। जब थ्री लोगे तो ओमेगा क्यूब 1, यानी ये भी 1 1 1, इधर भी 1 1 1, आंसर आएगा 0। और जब आप ले रहे हो 1 तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन 0, यानी हर हाल में आंसर है 0। लंबे मेथड पर नहीं जाना। इज दैट क्लियर, टेल मी वेरी फास्ट, इज दैट क्लियर? क्लियर है तो क्लियर लिख के भेजो, ये क्वेश्चन को करने का तरीका है। अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखकर भेजिए। जो बच्चा कह रहा है साफ नहीं आ रहा, वो अपने फोन को रिफ्रेश कर ले, साफ आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। चलिए 35, इसने कहा ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जिसकी वैल्यू इसने दे रखी है, नहीं भी देता तो भी हमें पता है, कहता है इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करो, सीधे सीधे एक्सपेंड 1, कितना आएगा बेटा ये ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा 4 जिसे ओमेगा कहोगे, प्लस का 1, रो पर एक्सपेंड कर रहे हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, रादर हम कहेंगे कि इधर हमारा आएगा माइनस, ठीक है, प्लस का 1, आगे बढ़ो तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब देखो यहां से, क्या देखो यहां से कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 3 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा ये दिया है तो ओमेगा स्क्वायर माइनस वाला हो जाएगा, और ये दे रहा है प्लस वाला, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपके पास। नाउ फ्रॉम हेयर ये कैंसिल हो गया,
ये आ जाएगा आपके पास, टू भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3√3i, सो आंसर इज ऑप्शन बी. क्या है 35 का आंसर? ऑप्शन बी. फरमान चौधरी ने दिया है बी. एग्जैक्टली फरमान चौधरी, क्लियर है? बड़े आगे चले, दीपक चौधरी भी बी ही दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 36 पर. 36 पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी है. हमने देखा यहां पर भाई पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, log x log y log z. जो सेकेंड है क्या इसको log 2 प्लस log x लिख सकते हैं, आगे log y प्लस log 2 और आगे log z प्लस log 2 log m इंटू n. सिमिलरली नीचे log 3 प्लस log x, आगे log 3 प्लस log y और आगे log 3 प्लस log z. ठीक है जी. अब ये जब हमारी डिटर्मिनेंट बनी तो एक काम करो, यहाँ पर सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को घटा दो और ऐसे ही थर्ड रो में से फर्स्ट रो को घटा दो. तो पहला तो तुम्हारा log x log y log z रहेगा, दूसरे में बचेगा log 2 log 2 log 2, तीसरे में log 3 log 3 log 3. और जब आप यहां से log 2 कॉमन लोगे बाहर तो 1 1 1, log 3 बाहर 1 1 1, दो रो सेम है तो आंसर 0, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है. तो क्या टिक कर दोगे? नन ऑफ दीज. क्या है 36 का आंसर? नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी. संतोष कुमार, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज. बढ़े आगे. देखो जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे कर रही हूँ ना, एग्जाम में आपको वैसे ही करना है. ये नहीं कि पूरा पूरा लिख रहे हो, शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, टाइम बचेगा और क्वेश्चन जल्दी होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. यहां पर देखो बेस और नंबर अलग अलग चल रहे हैं तो प्रॉपर्टी लगाओ. लॉग बेस एक्स वाई को लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स कहोगे, उससे अगले को लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स कहोगे. जब अपॉन में एक्स आ रहा है और पहला एलिमेंट 1 है तो इसको भी तो लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स कह सकते हो. अब आओ सेकेंड रो में, ये क्या है? लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई. लास्ट में आओगे तो लॉग जेड अपॉन लॉग वाई और बीच में क्या है? 1. तो इसे भी क्या कहोगे? लॉग वाई अपॉन लॉग जेड. अब यहीं पर तीसरा मत लिखो, नीचे से ये कॉमन आ जाएगा, इधर ये कॉमन आ जाएगा. तो log x log y log z और log x log y log z दो रो सेम है तो आंसर है 0. और ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारों को तो इसकी वैल्यू याद होगी कि 37 जब भी आए सीधे लगा दो, कितना आंसर? 0, ऑप्शन बी. अजय यादव. चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पर. किस पर? 38. देखो जरा, इसने हमसे कहा एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू बताओ क्या है. इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, फाई है, या दोनों से इंडिपेंडेंट है, या किसी एक पर डिपेंड कर रही है. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कौन है? विराट निषाद, आप टाइमिंग पूछ रहे हो बेटा. 11 बजे से होती है क्लास, डेली का 11 से होती है. ठीक है, बिल्कुल धनंजय कुमार यादव, पूरा सॉल्यूशन है. चलिए यहां पर ये कह रहा है किससे इंडिपेंडेंट है किससे नहीं है. तो एक काम करते हैं हम यहीं पर, देखो जरा क्या काम है. अपनी मर्जी से आप थीटा को ले लो 0, या 0 छोड़ो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. थीटा को ले लो 30 डिग्री और फाई को ले लो 15 डिग्री, अपनी मर्जी से. ठीक है, शॉर्ट में करवा रहे हैं हम, इसलिए कुछ और भी ले सकते हो. तो देखो कॉस थीटा 45 यानी 1 अपॉन √2, आगे बढ़ोगे माइनस का 1 अपॉन √2 और आगे बढ़ोगे कॉस 2 फाई कॉस 30 √3/2. ठीक है, नीचे आओ साइन थीटा 1/2 कॉस थीटा √3/2 और आगे बढ़ोगे साइन फाई साइन 15. साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है? ये तो आपका प्रॉब्लम हो गया. चलो मैं कुछ और ले रही हूं. प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि 15 भी रख सकते हैं लेकिन उसमें रूट वगैरह ज्यादा आ जाएंगे, तो हम यहां पर कुछ और वैल्यू ले रहे हैं जिससे हमें कैलकुलेशन इजी हो जाए. थीटा को हम ले रहे हैं 30 डिग्री और फाई को ले लो 60 डिग्री. ठीक है, अब देखना कॉस थीटा प्लस फाई यानी कि कॉस 90 0 होता है, माइनस साइन 90 1 होता है,
cos 2 phi यानी cos 120 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, साइन थीटा साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, साइन फाइ साइन 60 √3/2, माइनस cos थीटा माइनस का √3/2, आगे बढ़ेंगे साइन थीटा 1/2 और आगे बढ़ोगे cos phi cos 60 1/2। अब यहां देखो सबसे पहले अपॉन का 2 2 2 बाहर ले लो तो ऊपर बचेगा 0 माइनस 2 माइनस 1, नीचे 1 √3 √3 और आगे बढ़ोगे माइनस √3 1 1, जिसको हमने कहा सॉल्व करिए, क्योंकि बिना सॉल्व करे हम कुछ नहीं कह सकते। बाहर कॉमन आ रहा है हमारे पास 1/8, 0 पे तो सब कुछ 0 है, 2 पे जाओ तो 2 √3 - √3 0 हो गया, आगे बढ़ोगे 1 पे तो ये 1 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये आएगा माइनस का 4/8 विच इज -1/2। अब आ जाओ ये वैल्यू है किसकी, क्योंकि हमें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है। हमारी वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2। क्या आ रही है बेटा वैल्यू, माइनस का 1/2। चेक करो माइनस का 1/2 किसकी वैल्यू होती है, एंगल्स हमने ले रखे थे, क्या ले रखे थे, एंगल थीटा और ये 60, तो 1/2 जो वैल्यू होती है वो कॉस फाई की होती है, किसकी, कॉस फाई की। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पर, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। क्या है आंसर 38 का, ऑप्शन ए, क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्लियर है 38 का ए। यहां पर ना कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन और हो सकता है कि मैम ये तो साइन में 60 की भी हो सकती है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो, क्योंकि बेटा मैं पहले से तो क्वेश्चन सॉल्व करके रखती नहीं हूं, हाथ के हाथ ही सॉल्व कर रहे हो, तो आपको दूसरी अप्रोच भी दे रहे हैं। देखो अगर तुम पहले पर जा रहे हो कॉस थीटा प्लस फाई ओपन कर रहे हो तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस का साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और आगे बढ़ोगे माइनस साइन थीटा प्लस फाइव, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा साइन फाइव, और लास्ट में आओगे कॉस टू फाइव, तो कितना आएगा तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इधर ये फॉर्मूला है कॉस थीटा प्लस फाइव, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव है। आगे तुम्हारे पास बनेगा ये साइन का फॉर्मूला, कितना बनेगा ये, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस फाई और इधर कॉस टू फाई। अब यहां पर आ जाओ तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, कॉस टू थीटा, बल्कि यहां पर कॉस स्क्वेयर है माइनस साइन स्क्वेयर भी, ये फॉर्मूला होता है अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है, कॉस स्क्वेयर है माइनस साइन स्क्वेयर भी, कॉस ए प्लस बी, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है आई थिंक सो, हाँ यहाँ हो रही है ना, ये माइनस है तो माइनस माइनस होगा प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 फाई, यानी सिर्फ और सिर्फ आ रहा है फाई, तो ये किस पर इंडिपेंडेंट है, थीटा पर, किस पर इंडिपेंडेंट है, थीटा पर, ठीक है। आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, चाहे तो वैल्यू रखो, बट वैल्यू में कंफ्यूजन था इसलिए हमने डायरेक्टली एक्सपेंड करा, जो कि फॉर्मूला बन गया, तो सीधे सीधे आंसर आ गया क्या, फाइव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 39, जो बच्चे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कह रहे थे ये उनके लिए है 39 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज डेल्टा, तृतीय कोटि के किसी सारणिक का मान डेल्टा है। If each row of determinant is multiplied by 2, अगर हर पंक्ति में 2 से गुणा कर दी जाए तो बताओ नया सारणिक कितना होगा। डिटर्मिनेंट सारणिक और मैट्रिक्स आव्यू में यही तो फर्क होता है, मैट्रिक्स में अगर तुम एक से कर रहे हो तो सब में होगी, लेकिन डिटर्मिनेंट में हर में कर रहे हो तो कॉमन भी हर से बाहर आएगा। ऑर्डर कितना दे रखा है इसका, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर दिया है तो ये 2 कितनी बार बाहर आएगा, 3 बार, और 3 बार बाहर आएगा तो आंसर हो जाएगा 8 डेल्टा, यानी ऑप्शन सी। क्या है 39 का आंसर, ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 40, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 40।
एक डिटर्मिनेंट दिया और बोलता है 40 के अंदर बताओ ये डिटर्मिनेंट किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। तो एक काम करो, यहाँ पर ये बाकी की वैल्यूज पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन सब से ये पूछ रहा है, यस और नो। तो एक काम करो, इधर तुम ए की जगह तो ले लो सपोज 1, बी की जगह ले लो 0, सी की जगह ले लो 0। तो आपके पास ये 1 प्लस एक्स ए बी 0 ए सी 0 0 0 कितना होगा एक्स स्क्वायर, बल्कि एक्स स्क्वायर है 0। आगे बढ़ेंगे बी सी 0, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो इसे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में आएगा एक्स की पावर 4, यानी दिस इज x की पावर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी, 40th का ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? चिंटू कुमार चौबे कह रहे हैं सब किताब लेकर बैठे हैं, अच्छी बात है किताब लेकर बैठो, क्योंकि जब टीचर यहाँ सॉल्व करवा रहा है किताब सामने होगी तो ही तो आपको समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 41 कहता है, 41 के अंदर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अगेन किस पर जाओ? ऑप्शंस पे जाओ, कुछ ना कुछ वैल्यू रख लो। तुमने कहा अगर मैं एक ही जगह 1 रखता हूं तो यहां से ये आएगी वैल्यू 3, यहां से वैल्यू आएगी -1, यहां से वैल्यू आएगी एक ही जगह 1 रख रहे हो तो 4, और यहां से आएगी -2। चारों अलग अलग दे रहे हैं, रख दो। तो पहला हो जाएगा तुम्हारे पास 2 1 1 1 2 1 1 1 2, और ऐसा क्वेश्चन अभी तुम कई बार कर चुके हो, जस्ट अभी कराया है। कितना आ रहा है इसका आंसर? 4, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। वाई ग्रुप की क्लास नहीं चल रही है क्या बेटा? वाई ग्रुप की क्लास देखो, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है तो कोचिंग तो हम नहीं जा पा रहे थे कि हम स्टडी मटेरियल कर पाए, बट फिर भी जो घर पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सर ने एक टॉपिक तैयार करा है रीजनिंग में आपका, तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी क्लास के बाद, चलेगी क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 42। देखो जरा, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या करना है? x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1, तो राइट साइड में बन गया k और लेफ्ट साइड में 2 1 1 1 2 1 1 1 2। इसको तो अब याद रखो, हर बार कितनी आ रही है वैल्यू? 4। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 42 का आंसर? ऑप्शन डी। फटाफट रिस्पॉन्स करो अब, क्योंकि पढ़ते हुए लगभग एक घंटा हो चुका है तो कुछ चीजें तो रट गई होंगी, अगर मेमोरी थोड़ा बहुत भी आपका शार्प है कर सकते हो। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट 0 दी है, बोल रहा है सॉल्यूशन सेट कितना होगा। सबसे पहले यहां पर आओ, इसमें अगर तुम तीनों रो को जोड़ दो, किसको जोड़ दो? तीनों रो को, तो 3 3 6 सब में आ रहा है, यानी 3x-8+6 बाहर निकल जाएगा, तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। 2/3 इसमें नहीं है, 2/3 इसमें है और इसमें है। अगला इसने 8/3 दिया है, तो इसे चेक कर लो, 8/3 को हिट एंड ट्रायल से चेक करो। देखो अगर तुम 8/3 रख रहे हो तो ये तुम्हारा 8 - 8 = 0 3 3 3 0 3, और आगे बढ़ो 3 3 0, चेक करना जरा बेटा। सॉल्व करोगे इसे, क्या करेंगे सॉल्व? माइनस का 3, तो आपके पास ये आएगा कितना? -9 प्लस का 3, लाइन ऐसे गया तो कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब ये 0 नहीं आ रहा, तो आंसर ये तो हो नहीं सकता। रहे कौन सा गया आपका? 11/3। चलो 11/3 को रख के देखो अब किसको, तो कितना आएगा? 11 में से 8 गए 3 3 3 3 3 3, यस ये 0 दे देगा क्योंकि दो रो सेम है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 43 का आंसर? ऑप्शन बी। बोलो कितना है 43 का आंसर? रामजी राजपूत 43 का आंसर ए दे रहे हैं, ए नहीं है बेटा। दीपक महाद्रा कह रहे हैं मैम आप अनअकैडमी पर आ जाओ, अनअकैडमी पर सोचेंगे इसके बारे में, फिलहाल यहां देखो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44। 44 क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया, कहता है बताओ इसमें से कौन सी बात सही है।
अगर तुम यहां पर x की जगह जीरो पुट कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन में जीरो दिख रहा था, तो तुम्हारा शायद ये ए बी सी ए बी सी ए बी सी बनेगा, जिसकी वैल्यू हर हाल में जीरो आनी ही आनी है। तो सीधे सीधे आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, बाकियों पर जाने की जरूरत है ही नहीं। तो बोलो 44 का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द, यहां हिट एंड ट्रायल करो। सबसे पहले अगर तुम x की जगह जीरो रख देते हो तो ए ए ए ए ए ए, यानी या तो आंसर ये है या ये है, जीरो दोनों में है। अब उसने कहा a रखो, अगर तुम a रख रहे हो तो ये हो रहा है 2a 0 0 0 2a 0 जीरो जीरो टू ए, जिसका किसी भी हाल में आंसर जीरो नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। थ्री ए रखोगे तो ये होगा फोर ए माइनस टू ए माइनस टू ए, आगे रखोगे माइनस टू ए फोर ए माइनस टू ए, और आगे रखोगे माइनस टू ए माइनस टू ए फोर ए, यस इससे जीरो आ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 45 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सॉल्यूशन सेट, अगेन यहां पर क्या करो? हिट एंड ट्रायल। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल। दो आंसर अपने आप, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या है? 46 का, यस विष्णु कोशिश करेंगे आज हो जाए। 46 का आंसर दीजिए, क्या है हिट एंड ट्रायल से? चंदन पांडे ने दिया 46 का ए, संतोष कुमार भी ये कह रहे हैं, सुरजीत सिंह भी ये कह रहे हैं, लेट्स वेट कितने लोग ये कह रहे हैं। एब्सोल्युटली 46 का आंसर इज ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना सॉल्व करे आगे की तरफ। 47 में एक एक्सप्रेशन दिया, वैल्यू कहता है कितनी आ रही है। फिर से वही काम करो, क्या काम करो यहां पर? वैल्यू रख लो, लो एक्स की जगह रख लो जीरो, y की जगह रख लो 1, क्योंकि सबकी अलग अलग आ रही है। तो 0 प्लस 1 1 0 0, आगे बढ़ोगे 4 0 0, और आगे बढ़ोगे तो यह आएगा 8 0 0, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब यहां से 0 नहीं आ रहा, यहां से भी 0 नहीं आ रहा, यहां से भी नहीं आ रहा, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 47 का आंसर? ऑप्शन सी। कितनी सिंपल अप्रोच में क्वेश्चन हो गया। 48, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशंस दी, उनके सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है। दो इक्वेशंस दी है, पहली है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, दूसरी है 2x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू 7। यहां ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 नहीं है, ये दोनों बराबर है, आगे नहीं है। Yes or no? अगर तीनों बराबर हो जाते तो लाइंस पैरेलल होती, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, और इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन होने का मतलब है कि इक्वेशंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, 48 का आंसर इज ऑप्शन ए। थ्योरी वाली क्लासेस में चले जाना, वहां ये सब समझा रखा है। 49 कि जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो बताइए x कितना आएगा, इसका आंसर आप दीजिए। ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ऑप्शंस नहीं दिए हैं। डेवलप्ड टैग कह रहे हैं, मैम आप हमारे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो। कहाँ है बेटा आपका स्कूल बता दो। सत्य प्रकाश कह रहे हैं, कोचिंग की प्लेस बता दीजिए। बेटा हम लोगों का कोचिंग मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, पीएल शर्मा रोड पर, द ट्यूटर्स अकेडमी। फोर्टी नाइन का आंसर समय लगेगा, लेकिन दे रहे हैं पूरा समय आपको। x की वैल्यू अच्छा कुछ बच्चे 49 का बी भी दे रहे हैं, मैंने तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिए। ये बच्चे पक्की बात है किताब खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि किताब में
हाँ 49 ही, नहीं अमित कुमार कंडीशन नहीं दे रहे, कुछ तो आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। सुनील मित्रवाल फ्रॉम राजस्थान, वेलकम। राजस्थान में क्या कहते हैं वो, एक पधारो, नहीं पधारो मारे देश, है ना, खंबागनी, खंबागनी। अस्सी क्वेश्चन है, 87 है। कल करा लेंगे, बच्चों को भी एक साथ ज्यादा हो जाता है। आलोक कुमार कह रहे मैडम अभी तक खाना नहीं खाया है, चलो व्रत है तुम्हारा, हमारा तो व्रत है ही। खैर शोभ सिंह भी कह रहे हैं राजस्थान से हूं मैं भी, चलो तो खंबागणी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स वाले अपने अपने आके अच्छी अच्छी चीजें बताते रहा करो, ठीक है ना, ताकि मेरे भी नॉलेज बढ़ती रहे, जैसे कहाँ का क्या चीज फेमस है। कभी हम घूमने आएंगे तो हमें पता रहेगा, हम जाकर सीधे वही चीज सर्च करेंगे, चाहे वो, वैसे भी मयंक सर हमारे हमारे मयंक सर वैसे भी खाने पीने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं, तो हम जहां भी जाते हैं यूजुअली खाने पीने का ही ढूंढते हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड का तो मुझे पता है करण जोशी, बिकॉज आई एम फ्रॉम आल्सो फ्रॉम द उत्तराखंड, तो वहां का मुझे पता है पूरा। हाँ मेरठ का भी पता है। शोभ सिंह कह रहे हैं वहां पर दाल बाटी चूरमा फेमस है राजस्थान में, दाल बाटी चूरमा। चलो कभी आएंगे तो देखते हैं। बाजरे की बाटी, सर को ज्यादा नॉलेज है, मुझे नहीं है नॉलेज। सर बता रहे हैं कि वहां पे बाजरे की बाटी बाटी रहती है। चिराग कह रहे हैं एमपी का दाल बफला, चलो हमें नाम याद रहेंगे। बिहार का लिट्टी चोखा खाया नहीं है, नहीं मैंने नहीं खाया लिट्टी चोखा, मैंने नहीं खाया। दाल बाटी चूरमा तो मैंने खा रखा है, पर लिट्टी चोखा मैंने नहीं खाया। नागौर का पान मेथी, पान मेथी। चलो अब हम जहां जहां आएंगे ना बताएंगे। मथुरा वृंदावन तो हम जाते ही रहते हैं, खैर अभी लॉकडाउन चल रहा है, उससे पहले हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ मथुरा लिख रहे हैं, तो जब मथुरा आएंगे तो बताएंगे, फिर देखते हैं। मथुरा में तो पेड़े सुने हैं मथुरा के, तो हमने पेड़े गिरिराज के, ब्रजवासी के पेड़े, हाँ वही के हैं ब्रजवासी के। खैर इसका आंसर, एक बच्चा कह रहा है मैडम हरियाणा की देसी दारू आप लोग इसका मतलब बच्चे बड़े हो, फिर बच्चों को तो ये चीजें पता ही नहीं रहती हैं। आ जाओ खैर क्वेश्चन, हाँ ये तो है लॉकडाउन में बंद नहीं है। खैर एनीवेज x की वैल्यू पूछ रहा है, देखो जरा x कैसे निकलेगा, नीचे एक डिटर्मिनेंट ऊपर एक डिटर्मिनेंट। x के लिए d1 होता है तो राइट साइड आ जाएगी 15, 19, 46, इधर आएगा -6, 4, 1, 4 - 3, 6, और इधर आ जाएगा आपका 5, 7, 2, -6, 4, 1, 4 - 3, 6। ये नहीं कि आप इसे सॉल्व करने बैठ जाएं, ठीक है, करो जरा इसे 15, तो ये होगा 4, 6, 24, प्लस का 3, 27, प्लस का 6, लाइन ऐसे गया तो 19 छिंग कितने होते हैं, 19 6 जा 114। एंड बेटा कैलकुलेशन अर्थमेटिक में मेरी कमजोर है, मैं इंसर पीछे बैठे हैं ये हंस रहे हैं, बट है मेरी भी, क्योंकि मेरा ये वाला मैथ्स है, ठीक है ना। प्लस का आप सॉल्व करेंगे इसे, प्लस का जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, 3, 18, ऐसे लगे 1, 3, 4, 12, 1, 13, प्लस का 4, और इसे सॉल्व करिए आगे ले जाकर, तो ये होगा 19, माइनस का 6, 4, 24, ऐसे लगो तो 4, 6, 16 और 2, 18, ऐसे ही अपॉन में इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा हो आंसर वो देख लेना कितना आ रहा है। शायद इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है 5 आएगा। तो इस पूरे चैप्टर में अगर मैं बात करूं, टोटल 87 क्वेश्चंस थे राइट नाउ, अभी हम लोगों ने करे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 49। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि काफी देर तक पढ़ाने पे बच्चे भी बोर हो जाते हैं, भले ही रिमेनिंग क्वेश्चन का मैं एक छोटा सेशन शाम में मार दूंगी,
ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन का, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 पर इसने हमसे कहा, ये हमारी इक्वेशन है, मैं इधर लिख लेती हूँ, 2y-3z x है ही नहीं, x प्लस 3y यहाँ पर z नहीं है, और 3x प्लस 4y यहाँ पर z नहीं है। ठीक है, ये कहता है y जो है वो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा मिल रहा है। अगर डेल्टा इसने दिया है तो डेल्टा 2 बताओ, डेल्टा 2 निकाल दो जरा, डेल्टा 2 y के काम आ रहा है, तो राइट साइड वाला कॉलम 0-4, y के काम है, तो ये आएगा बीच में, स्टार्टिंग में x वाला रहेगा 0-1-3 और लास्ट में रहेगा z वाला, तो -3-0-0। चेक कर लो ऐसा किस ऑप्शन में है, फटाफट से चेक करो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इतना ही रोक रहे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आज ही करा दूंगी, शाम में नोटिफिकेशन आ जाएगा नियर अबाउट 5 बजे के आसपास। एंड बाकी आप सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है, तो अगर हम वहां आते हैं तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे। ठीक है राजेश कुमार, अभी नहीं बेटा, लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन के बाद आएंगे। कानपुर के ठग्गू के लड्डू, क्या है ठग्गू नाम है किसी का, चलिए एनीवेज शाम में जरूर मिलना रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए, तब तक अपना रिवाइज कर लो सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ओके, चलिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद।